छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रदेश में ढाई महीने में 3,000 गायों की भूख, बीमारी, एक्सीडेंट में मौत के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने इसे गौ हत्या बताते हुए कहा है कि उनकी पार्टी प्रदेश के सभी जिलों के गौठानों की जांच करेगी। इसके लिए गौ रक्षा सेवा समिति का गठन किया गया है और जांच का जिम्मा विधायक धर्मजीत सिंह का होगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी करे। मरवाही सदन में उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए अमित जोगी ने खुद की गिरफ्तारी पर कहा कि कानून के मुताबिक FIR होने पर 2 सप्ताह में लिखित में सूचना देनी होती है, लेकिन उन्हें नहीं दी गई। भाजपा की नेत्री ने धरना दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है, दरअसल कानून से काम कराया गया है। आशीष तिवारी हमारे साथ सहयोगी रायपुर से जुड़ गए हैं। आशीष जी, गायों की मौतों को लेकर जमकर बरसे हैं अमित जोगी। देखिए, ये एक पॉलिटिकल रिएक्शन जरूर इस अमित जोगी का कहा जाएगा, लेकिन जरूर छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सरकार दरवाजा बाड़ी को लेकर काम कर रही है, लेकिन इस बीच कई जगहों से ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आई है कि गौठानों में बड़ी तादाद में गायों की मौत हुई है और मौत की वजह स्थानीय स्तर पर भले ही प्रशासन कुछ भी कहे, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे घटना में कहीं लापरवाही भी सामने आई है और इसे ही लेकर अमित जोगी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है और सरकार को घेरने की कोशिश की है। दरअसल जिस तरीके से गौठान सरकार ने बनाया है, तो गौठान बनाने के पीछे का एक बड़ा कारण ये था कि जो लवारिस पशु है उसे वहां पर एक शेल्टर मिल सके। बावजूद उसके सरकार की इस योजना में कहीं ना कहीं इसके एग्जीक्यूशन को लेकर कई तरीके की खामियां हैं और इन खामियों पर ही अब सियासत भी गरमा गई है। बीजेपी भी सरकार पर हमलावर है और बीजेपी के साथ साथ अब जोगी कांग्रेस भी हमलावर होते नजर आती है। अमित जोगी अभी पिछले दिनों ही जाति प्रकरण पर जेल भेजे गए थे और जेल सवाल भी आशीष जी यही था कि अमित जोगी ने खुद की गिरफ्तारी पर कहा है कि कानून के अनुसार FIR होने में दो सप्ताह में लिखित सूचना देनी होती है, लेकिन उन्हें नहीं दी गई और जिस तरह से भाजपा नेत्री ने धरना दिया और उसके तहत उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो सरकार ने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जोगी कह रहे हैं कि कानून से काम कराया जा रहा है, इंटेंशनली कराया जा रहा है। देखिए, ये एलिगेशन है और जिस तरीके से अमित जोगी के खिलाफ जाति प्रकरण का मामला चल रहा है, ये मामला आज का नहीं चल रहा है। पिछली सरकार के दौरान भी अमित जोगी के जाति के मामले पर न केवल जांच हुई है, बल्कि जांच के दौरान ये भी तथ्य सामने आया है कि अमित जोगी जिन हलफनामों के जरिए अपनी जाति का जिक्र करते रहे हैं, दरअसल वैसा है नहीं। अलग अलग जन्म स्थान उनके अंकित पाए गए हैं, एक USA के बोस्टन का भी मिलता है, दूसरा इंदौर का भी मिलता है। इसे लेकर काफी टेक्निकल तरीके से यहाँ पर पूरा मामला फंसा हुआ है और हाल फिलहाल जिस तरीके की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को आधार बनाया गया। कोर्ट ने अमित जोगी को प्रारंभिक तौर पर दोषी मानते हुए जेल भी दाखिल किया, हालांकि कुछ बुनियादी इश्यूज को लेकर अमित जोगी को जमानत फिलहाल दी है, फौरी राहत दी है, लेकिन ये प्रकरण फिलहाल चल रहा है और सरकार जिस तरीके से एक्शन करती नजर आती है, सरकार की लाइन लाइन देखती है, सरकार जो है वो लीगल तरीके से इस पूरे मसले को डील कर रही है। लेकिन अमित जोगी चूंकि जेल से अभी छूटे हैं जमानत पर, इसलिए उनके तमाम रिएक्शन को एक पॉलिटिकल रिएक्शन के तौर पर ही देखा जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आशीष जी तमाम जानकारी के लिए।